गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज चैप्टर 3 पाठ का शीर्षक है सोना और इसकी रचयिता हैं महादेवी वर्मा। ये हिंदी जगत के जानी मानी लेखिका हैं जिन्हें मानव तो क्या पशु पक्षियों से भी अत्यधिक लगाव है। इन्होंने कई कहानियाँ ऐसे लिखे हैं जिसमें पशु पक्षियों के प्रति कितना लगाव था इन्हें उसको व्यक्त करने की कोशिश किया है। तो जैसा कि इस चैप्टर में सोना के बारे में बताया गया है, सोना हिरण का बच्चा है जिसे हम सावक कहते हैं। एक दिन की बात है कि शिकारी घने जंगल में जाकर शिकार कर रहे थे, जहाँ पर ढेर सारे हिरण के झुंड अपने जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन सोना की माँ जो थी वह अपने बच्चों को हृदय से लगाकर दबाए हुए थी और भागने में वह सक्षम नहीं थी, नहीं भाग पा रही थी। वह इस कदर उसे छिपाए हुए थी, उससे चिपके हुए थी कि लग रहा था कि कोई मिट्टी का लोंदा है, जिसमें इतनी स्थिरता थी कि वह इधर उधर देख नहीं पाती थी। इस स्थिति में भी उस शिकारी को रहा न गया और उसकी माँ का शिकार कर लिया। सोना वहीं पर ही रही, वह शैशवावस्था को पार नहीं कर पाई थी, इतनी छोटी थी। लेखिका लिखती है यहाँ कि वह सावक को लाकर छोटा छोटा बच्चा वहाँ पर ले आया। दो चार दिन की ही वह थी कि उसे दूध पिलाकर किसी तरह से दो चार दिन उन्होंने रखा। उसके बाद बच्चों को जब यह पता चला कि इसकी सुरक्षा के लिए अच्छे परवरिश की ज़रूरत है, तो उन्होंने मेरे पास लाकर इसे रख दिया। अब तो उसकी देखभाल के लिए मेरी दिनचर्या ही बदल गई। उसकी देखभाल के लिए मैं अधिक से अधिक समय निकालने लगी और छात्रावास की जितनी भी लड़कियां थीं वह अपने काम में लगी रहती थी। साथ साथ जब से यह सावक छात्रावास में आई, उसकी देखभाल के लिए सारे बच्चे बहुत उत्साहित रहते थे। अपने खाना में से खाना निकाल के खिलाना, जब प्राणायाम होता था, प्रार्थना होती थी, सभी जगह जाकर के वह सावक एक किनारे बैठा रहता था। धीरे धीरे बच्चों को भी उस सावक से इतना लगाव हो गया कि जब वह खेल कूद के मैदान में जाते थे तो सावक वहाँ जाकर के, सोना वहाँ जाकर के बैठ रहती थी। और दबे पांव जब बच्चे अपने कक्षा में प्रवेश करते थे, पढ़ने के लिए जाते थे, तो वह वहीं हरी हरे घास में उछल कूद मचाते रहते थे। बच्चे के सोना की स्थिति को देखकर इतना लगाव हो गया कि वह सोना के बिना रह नहीं सकते थे। और धीरे धीरे छात्रावास के जो भी चपरासी थे वो भी उनसे लगाव दिखाने लगे, वो भी रह रह के उसे खाना देना, पानी देना आदि करने लगे। धीरे धीरे लेखिका यह लिखती है कि मनुष्य के परवरिश में जितना ध्यान लोग देते हैं और उसका जितना वह उत्तरदायित्व निभाता है, इस कहानी में यह दिखाया गया है कि सोना कहीं से कम नहीं थी। वह भी जब बच्चे उससे इतना लगाव करने लगे तो वह भी बच्चे के पीछे इतना जागरूक हो गई थी कि बच्चे के हर बातों को वह समझने लगी। धीरे धीरे सोना बच्चों से अथाह प्रेम करने लगी और लेखिका इस बातों को बहुत तन्मयता के साथ परखने लगी। महादेवी वर्मा ने यह लिखा है कि जो भी पशु पक्षी हैं उसके प्रति अगर हम दया की भावना रखते हैं, अगर उसे उस स्थिति में उन्होंने बचा लिया,
जब उसके हिरण के झुंड सारे उन्हें छोड़कर चले गए थे, उनकी माँ मर गई थी, उस स्थिति में जिन्होंने उसके जान को बचाया उसके प्रति भला लगाव वह कैसे नहीं दिखाती। लेखिका लिखती है आगे कि जब वह थोड़ा बड़ी हुई और वह एक कमरे में एकांत में रहने लगी और जब कभी उसे कोई बच्चे नज़र नहीं आते थे तो वह भी व्याकुल होकर के कमरे को छोड़कर बाहर निकल आती थी और उसके भाव को समझ लेती थी कि बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे अभी अपने काम में लगे हुए हैं, उसे बिल्कुल वह तंग नहीं करती थी। तो भला जब एक पशु पक्षी को इतना ज्ञान है कि जो मेरे लिए कुछ करता है उसके बदले मैं उसे किस तरह से अपना दायित्व को निभाऊं, तो हमें भी अपने कार्य के प्रति पशु से भी यह ज्ञान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति हमारे लिए हितैषी हैं, जो हमारे कार्य में सहयोग देते हैं, उसकी भावना को समझना चाहिए। यहाँ सोना एक हिरनी की बच्चा है, वह यह प्रदर्शित कर रही है कि वह लेखिका के बिना नहीं रह सकती है। क्यों? क्योंकि वह जब नवजात थी तो लेखिका ने उसे बोतल में भर के दूध पिलाती थी, अपने हाथों से उसकी सफाई करती थी और जहाँ वह रहती थी वह हमेशा अपने पास सोना को देखना चाहती थी। तो भला वह सोना लेखिका को कैसे भूल सकती थी। कहानी के अगले भाग में आपको यह पता चलेगा कि जब पशु भी अपनी ज़िंदगी को खुद से बसर करने के लायक होते हैं तो वह भी अपने बारे में सोचने लगते हैं। कहानी में यह आया है कि हिरनी भी जब वह सोना माँ बन गई और चार बच्चे को जन्म दी तो धीरे धीरे वह उन छात्राओं से उसका लगाव कम होने लगा। पहले तो वह अपने सहेलियों का इंतज़ार बहुत करती है कि मेरी सहेली अब भी पहले के तरह मेरे पास आए, लेकिन हर लोगों का अपने जीवन में दायित्व बढ़ते चला जाता है, अपने काम में वो लगने लगते हैं। उसी तरह हिरनी जब अपने बच्चे को जन्म दी तो उसकी देखभाल के लिए वह समय निकालने लगी और धीरे धीरे इन लोगों से लगाव उसका कम होने लगा। तो यह प्रदर्शित कर रहा है कहानी में कि व्यक्ति को शुरुआती दौर में जब अच्छे जगह मिल जाते हैं, अच्छी देखभाल होती है, तो उसका संस्कार जो है उसके आने वाले समय पर पड़ता है, जैसा कि सोना के साथ हुआ। वह भी अच्छे परवरिश में पली, उसे अच्छी समझदारी मिली और वह यह सीख लिया कि अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए व्यक्ति को किस तरह से एक दूसरे का बातों का अनुकरण करना चाहिए। जैसा कि सोना ने लेखिका से अनुकरण किया, वह अपनी जवाबदेही को पूर्ण रूपेण पहले निभाया, फिर जब उसकी संसार बसी, दुनिया बसी, तो उन्होंने उसको धीरे धीरे निभाना सीखा जिस तरह से लेखिका ने उसके साथ निभाया था। बच्चों को धोना, नहलाना, दूध पिलाना, ठीक उसी प्रकार सोना दिखाती है कि वह अपने बच्चा से कितना लगाव करने लगती है और उसके परवरिश के लिए वह कितना चिंतित रहती है। तो कहानी में यह बताया गया है कि मानव तो क्या, पशु पक्षी भी अपने दायित्व को निभाने के लिए जब समर्पित भाव से कार्य करते हैं तो उसकी कार्य की शैली से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से आपको लेखिका यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मन में दया की भाव होनी चाहिए, जहाँ तक हो हमें अपने कार्य से सबको खुश रखना चाहिए। खुश इस मायने में कि उसकी भलाई हो। यहाँ यह दिखाया गया कि उस शावक की जान जो थी वह लेखिका के कार्य से बची, लेखिका की भलाई से बची। एक लेखिका को इतना दर्द था एक हिरनी के बच्चा से, एक जानवरों के बच्चा से,
कि उसकी संसार को उसने बसाया। इसलिए इस कहानी का यह अर्थ है कि आप भी अपने कार्य द्वारा किसी की भलाई करें और उसके बारे में सोचें कि अगर मैं भलाई करता हूँ तो इसका क्या फल होगा। अगले कहानी के भाग में यह बताया जाएगा कि सोना ने लेखिका को किस तरह से अपने कार्य से उसका दायित्व का निर्वहन किया है। धन्यवाद।